एक गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वे अपने भैंसों को लेकर नदी के किनारे धोने जाता है। वे अपने पास एक बांसुरी और एक बीना भी रखते थे। वे अपने बांसुरी और बीना को जमीन पर रखकर भैंसों के धोने के लिए पानी में उतर जाता है और भैंसों को धोने लगता है। तभी वहां पर उड़ती हुई एक औरत आती है और उसका बांसुरी और बीना को लेकर पानी में चली जाती है। फिर वे बांसुरी और बीना को खोजता है पर उसे नहीं मिलता है। फिर वे नाराज होकर अपना घर चला जाता है। घर आकर कृष्णा ने अपने दोस्त रामा को सारी बातें बताता है। फिर रामा बोलता है, अरे कृष्णा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बांसुरी और बीना मैं ला कर दूंगा। पर तुम कैसे ला सकती हो? फिर रामा नदी के पास जाता है। रामा को पता था कि उस नदी में जादुई नागिन रहती है। ओ पानी में रहने वाली जादुई नागिन, तुम बाहर आओ और मेरा दोस्त का बांसुरी और बीना दे दे। देखो, मैं तुम्हें बांसुरी और बीना देने वाली नहीं हूं। अगर तुम्हें बांसुरी और बीना चाहिए तो तुम उसी को भेज दो। इतना कहकर वो नागिन औरत उसी पानी के अंदर चली जाती है। फिर रामू भी अपना घर चला जाता है। तभी फिर वहां पर कृष्णा आ जाता है। हे जलपरी रानी, तुम बाहर निकलो। अरे कृष्णा, तुम्हें अपना बांसुरी और बीना लेना है ना, तो तुम मेरे पास ही आ जाओ। फिर कृष्णा पानी के अंदर कूद जाता है और धीरे धीरे उस औरत के पास जाने लगता है। जैसे ही कृष्णा उस औरत के पास पहुंचता है तो वो औरत उसका हाथ पकड़ के पानी के अंदर चली जाती है। फिर वे नागिन औरत कृष्णा को अपने महल ले आती है। वहां कृष्णा को कुर्सियां की जगह सांपों पर बैठने को मिला। फिर वे नागिन औरत कृष्णा को अपने पूरे महल घुमाती है। वहां की महल बहुत ही खूबसूरत थी। उस नागिन औरत को कृष्णा बहुत ही पसंद था, इसीलिए वे कृष्णा को ये सारे महल दिखाकर अपना पति स्वीकार कराना चाहती थी। तुम यहां मुझे क्यों लाए हो? क्योंकि तुम इस महल का राजा बनने वाले हो। क्या मतलब है तुम्हारी? ये सब हमारा सैनिक है और इनका एक राजा चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन कृष्णा उसकी सलाह को ठुकराकर अपना घर चला आया। फिर कृष्णा अपने घर आकर सोचने लगता है, आखिर वो नागिन मुझसे शादी करना क्यों चाहती है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए। कृष्णा सोच ही रहा था कि उस नागिन का सिपाही आ रहा था। हे भगवान, आज क्या होगा मेरे साथ? वो आप ही जाने। उधर कुत्ते की आवाज सुनकर रामू जग जाता है और अपनी बीबी चंपा से कहने लगता है, अरे चंपा चंपा, उठो, देखो उधर कुत्ते लग रहे हैं, जरूर आज कुछ बुरा होने वाला है। इतना कहकर रामू भी सो जाता है। कुत्ते की भुकने की आवाज सुनकर सारे गांव वाले जग जाता है। आज जरूर कुछ बुरा होने वाला है, यही बोलकर सभी सो जाता है। इधर दोनों सांप कृष्णा को मारकर उसकी आत्मा को निकाल लेता है और वो उस आत्मा को अपने साथ लेकर चला जाता है। बीच में कृष्णा और अगल बगल में दोनों सांप पे रहकर कृष्णा को पानी के अंदर ले जाता है। फिर
फिर वे नागिन औरत कृष्णा को अपने पति बना लेती है और वे खुश रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।